हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और न्यू धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेकर आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं आज फिर मेरे सामने स्क्रीन में रखे यहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डोरेमोन वाले टॉयज। जी हां गाइस, आज का ये वीडियो ना डोरेमोन का टॉय कलेक्शन वीडियो होने वाला है और आपको स्क्रीन में बहुत सारे डोरेमोन के आइटम भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। अगर आप डोरेमोन के थोड़ा ही पसंद करते हैं, डोरेमोन के फैन है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। और गाइस, इस डोरेमोन कलेक्शन में से आपको क्या पसंद आ रहा है उसका नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वन बाय वन मैं आपको टॉय दिखाता हूं। सबसे पहला गाइस हमारे पास ये देखो, डोरेमोन वाली एक बहुत ही प्यारी सी वॉच, ये देखो है ना, इसका डिजाइन देखो, यहां पट्टे पर डोरेमोन बना है, यहां पर भी पट्टे के ऊपर डोरेमोन बना है, यहां पर स्क्रीन देखो, यहां से ओपन करके आप इसके अंदर टाइम देख सकते हो, यहां से बटन दबा के टाइम सेट कर सकते हो, और इस बटन को दबाने पर गाइस ये देखो बहुत ही प्यारा म्यूजिक आता है, बहुत ही प्यारी लाइट आती है ना, जो कि अंधेरे में आपको टाइम देखने में हेल्प करेगी। और वॉच का डिजाइन आप देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग है। अगर आप इस वॉच को हाथ में पहनोगे ना गाइस, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, क्योंकि इसका डिजाइन है ही इतना ज्यादा अमेजिंग। 100 रुपीज में आपको ये वॉच मिल जाएगी। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है डोरेमोन वाला एक मल्टी कलर पेन, ये देखो है ना, यहाँ पर डोरेमोन बना हुआ और एक मल्टी कलर पेन है जिसके अंदर आपको टोटल 6 कलर देखने मिलते हैं और सारे के सारे कलर वर्किंग कंडीशन वाले हैं। उसकी बॉडी पर डोरेमोन लिखा भी हुआ है, डोरेमोन बने भी हैं काफी सारे। और जब आप इस पेन को लिखने के लिए यूज करोगे तो पेन का डिजाइन देखो गाइस कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, मुझे तो गाइस ये बहुत पसंद आया। अगर आप डोरेमोन के फैन है तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है डोरेमोन वाला एक जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। इसके ऊपर डोरेमोन का कितना प्यारा प्रिंट बना हुआ है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, दोनों साइड डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है। यहां पे नेम एंड क्लास आप लिख सकते हैं, है ना। और गाइस इसके ऊपर ना यहां पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है, देखो मैंने बटन दबाया तो कैलकुलेटर ऑन हो गया, इसकी आई थिंक बैटरी डाउन हो गई, बट ये देखो कैलकुलेटर अच्छे तरीके से वर्क करता है, मुझे ना इसकी बैटरी सही करनी पड़ेगी। इसको मैं यहां से बंद भी कर सकता हूं, यहां से चालू भी कर सकता हूं। और इस ज्योमेट्री बॉक्स पे देखो 1 2 3 4 चार बटन है, चारों बटन दबाने पे 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट ओपन होते हैं। देखो पहले में शार्प है, दूसरा एम्प्टी है, ये देखो 4 कंपार्टमेंट है, चारों के अंदर आप सामान रख सकते हैं। और यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो यहां पर आपको पेंसिल होल्डर, यहां पर आपको कलर होल्डर देने मिलता है, यहां पर बटन, इसको दबाने पे इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट ओपन होता है ये वाला, और यहां पर एक सीक्रेट स्पेस है गाइस ये देखो, है ना, इसके अंदर आप पैसे वगैरह छुपा कर रख सकते हो। किस तरह से ज्योमेट्री बॉक्स ओपन हुआ है आप देख ही सकते हैं, है ना, 10 अलग अलग जगह से ज्योमेट्री बॉक्स को आप ओपन करके इसके अंदर सामान रख सकते हैं। देखो यहां से मैंने इसको कर दिया बंद और दूसरी साइड से ओपन करके यहां पर भी आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं, यही इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है। डोरेमोन वाला डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया गाइस। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है डोरेमोन वाली एक प्यारी सी गन, ये देखो पहले आप इसका डिजाइन देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहां पर डोरेमोन का फेस बना हुआ है और गाइस इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन गाइस ये है क्या गाइस, ये एक पिचकारी है। जी हाँ गाइस, ये एक पिचकारी है ना। अभी पिचकारी कैसे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे यहां पर ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन को आपको ओपन करना है, यहां पर आपको इसके अंदर पानी डालना है, पानी डालने के बाद आपको इसको कर देना है ऐसे बंद, और यहां पर देखो यहां पर बटन है, इसको आपको ऐसे दबाना है ये देखो, है ना, और यहां पर इसके फेस में ना यहां पर एक छोटा सा छेद है, ये देखो इस छेद के अंदर से पानी बाहर आता है और पिचकारी वर्क करती है कुछ इस तरह से, है ना। बहुत ही अमेजिंग है गाइस डिजाइन, आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं। होली भी आ रही है, अगर आपको ऐसी डोरेमोन वाली पिचकारी खेल मतलब यूज करना पसंद है तो ये आप खरीद सकते हैं, और उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसका जो पानी है ना काफी दूर तक जाता है, तो आपको इससे खेलने में मजा बहुत ज्यादा आएगा, है ना। और डोरेमोन वाला डिजाइन है इसका, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, ये आपको 200 रुपीज के आसपास मिल जाएगी। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो डोरेमोन वाला एक प्यारा सा मग, ये देखो यहां पर डोरेमोन लिखा है, यहाँ पे डोरेमोन बना हुआ है और पूरी बॉडी आप इसकी देख सकते हैं कैसी है। यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन को आप ऐसे ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर आप चाय दूध कॉफी वगैरह कुछ भी पी सकते हैं और इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, और यहां से आप इसको पकड़ेंगे तो इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये देखो है ना, डोरेमोन वाले डिजाइन वाला मग है। और इसके ऊपर जो ढक्कन है ना गाइस, ये ढक्कन लगाने पर जो इसके अंदर सामान होगा ना गर्म, वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, है ना। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, डिजाइन आप देख सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा जिसको डोरेमोन कार्टून पसंद है। और इसके बाद गाइस हमारे पास यहां पर एक प्यारा सा चाबी का छल्ला, पिंक कलर का चाबी का छल्ला, डोरेमोन वाले डिजाइन वाला, यहां पर डोरेमोन लिखा भी हुआ है, और गाइस ये देखो पिंक कलर का डोरेमोन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। और यहां से देखो इसको आप अपने पैंट में लटका सकते हैं, यहां पर हुक लगा हुआ है, यहां पर उसके अंदर चाबी लगा सकते हैं, और जब आप डोरेमोन वाले चाबी के छल्ले को चाबी के साथ यूज करोगे तो ये कितना अट्रैक्टिव लगेगा, ये देखो है ना, पिंक कलर का डोरेमोन है, ये आपको 100 से 150 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन, बहुत अमेजिंग, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा उस समय। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है डोरेमोन वाले डिजाइन वाला एक प्यारा सा शार्पनर, ये देखो है ना, ये एक शार्पनर है, यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है,
और गाइज नीचे से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और जो इसका डिजाइन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्यूट है क्योंकि ये डोरेमोन वाले डिजाइन में आता है। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है डोरेमोन वाला एक प्यारा सा स्कूटर, ये देखो है ना। इसकी आप गर्दन किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं, ये देखो है ना, अभी सामने हो गई है, पीछे भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। और इसको चलाएंगे कैसे देखो, आपको इसको सिंपली फर्श पे रखना है, फर्श पे रखने के बाद जो इसकी गर्दन है इसको ऐसे दबाना है और छोड़ देना है, ये देखो है ना, इसको दबाना है और छोड़ देना है, और दबाने पे ये चलता है, ये देखो, ये देखो इसके टायर कितनी ज्यादा स्पीड में घूम रहा है ना। बहुत ही प्यारा स्कूटर है और फ्रंट से देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप देख ही सकते हैं। और इसकी गर्दन को जब आप साइड में करके रखते हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगता है, मुझे लगा ये बहुत पसंद आया। ये आपको 120 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, 120 रुपए में गाइस ये पैसा वसूल चीज है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो डोरेमोन वाला एक प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स जिसको हम पेंसिल बॉक्स भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डोरेमोन, यहाँ पे डोरेमोन बना हुआ है और इसका पूरा डिजाइन देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है, पीछे भी इसके डोरेमोन बना हुआ है देखो है ना, डिजाइन बहुत अमेजिंग है, क्वालिटी बहुत ऑसम है। और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एक तरह का पेंसिल बॉक्स है जिसके अंदर आप ज्योमेट्री बॉक्स की तरह सामान रख सकते हैं। मैंने इसको ओपन किया तो गाइस ये देखो अंदर से भी ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे एक नेट वाली पॉकेट है, इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं और यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं। और गाइस ये ओवरऑल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो है ना, मुझे गाइस ये बहुत पसंद आया इसके डिजाइन की वजह से, और जिसकी क्वालिटी है ना हाथ में लोगे तो गाइस आपको ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है ये देखो डोरेमोन वाला प्यारा सा हेलीकॉप्टर है ना, जो कि आप फ्लाई कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह ये फ्लाई करता है। मैं आपको बता दूं इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं, इसके साथ चार्जिंग केबल हमें मिला है। मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूं पहले गाइस, ये देखो ये है इसका प्यारा सा बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर मिला ये वाला हेलीकॉप्टर है ना, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग इंट्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है ना, इसके सारे फीचर यहाँ पर बने हुए हैं। और गाइस ये पूरा बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। अब गाइस मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल यूज क्या है, देखो यहां से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, यहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका डोरेमोन वाला डिजाइन अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है, इसके ऊपर चार पंखड़ियां लगी हैं और पंखड़ियों को ऐसे मोड़ने पे गाइस ये टूटता भी नहीं है गाइस, ये देखो है ना। अब मैं इसको ऑन करता हूं, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा इसके अंदर लाइट जलेगी और फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखो मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे लाइट जल गई और गाइस ये देखो फ्लाई करने के लिए रेडी है। और गाइस जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं ना ये ऊपर की तरफ फ्लाई करता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। और गाइस गिर के ये बंद हो गया है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, इसको ना आप अपने हाथ के सेंसर से भी उड़ा सकते हो, मान लीजिए फ्लाई कर रहा है ना, जैसे आप इसके नीचे हाथ लिया ना ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देता है, और जब किसी चीज से टकराता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देखो मैंने इसको ऑन किया, ये फ्लाई करना शुरू कर रहा है, और कैसे देखो जैसे ही मेरे हाथ से टकराएगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आपको क्या करना है, इसको दोबारा से ऑफ करना है, और दोबारा से ऑन करने पर आप इसको दोबारा फ्लाई कर सकते हैं। देखो ये देखो, और गाइस इसको मैं छोड़ता हूं ना ये बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ चला जाता है उड़ता हुआ, ये देखो गाइस है ना। सो गाइस ये वाला हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा 400 रुपए में, 400 रुपए के हिसाब से गाइस डोरेमोन वाला आइटम मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई करता है ना। और इसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा डोरेमोन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो मेटल क्वालिटी का ज्योमेट्री बॉक्स है, दोनों साइड डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है। यहां पर जो बना हुआ बहुत ही क्यूट है, यहां पर देखो शीशा लगा हुआ ताकि इसके अंदर आप सामान देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर एक शार्पनर, एक डोरेमोन वाली इरेजर, एक डोरेमोन वाली पेंसिल और एक डोरेमोन वाला स्केल भी देखने मिलता है। ये देखो इसके ऊपर भी डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है ना। तो वापस से मैं इसको कर लेता हूं बंद, और यहां पर ये ट्रे लगी हुई है, देखो ये ट्रे को मैं हटाऊंगा तो इसके नीचे देखो कैपिटल में ABCD लिखी है, 1 से 9 तक टेबल लिखा है जो कि बच्चों को स्टडी में हेल्प करता है। और इस वाली ट्रे को भी हटाएंगे तो इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलता है, ये देखो है ना। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको सामान भी मिल रहा है और स्पेस भी बहुत सारा मिल रहा है, यानी कि आप इसके अंदर अपना एक्स्ट्रा सामान भी एड कर सकते हैं। और जो इसका डिजाइन है डोरेमोन वाला ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये आपको 120 रुपीज के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद गाइस हमारे पास है डोरेमोन वाली एक प्यारी सी वॉच, ये देखो ये एक प्रोजेक्टर वॉच है जिसके अंदर से आप कम से कम 24 कैरेक्टर देख सकते हैं। इसकी पूरी पैकिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे डोरेमोन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कैसे कैसे कैरेक्टर इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे, सारे यहाँ पर बने हुए हैं है ना। और गाइस ये एक प्रोजेक्टर वॉच है, ये इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है, कुछ इस तरह से इसको यूज किया जाता है। देखो हाथ में ऐसे पहनना है, यहां से लाइट निकलेगी और ऐसा आपको कैरेक्टर दीवार पर दिखाई देगा। मैं आपको इसको यूज करके भी दिखाता हूँ गाइस, ये देखो यहां से मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं वॉच कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। 120 रुपीज के आसपास आपको ये वॉच मिल जाएगी और ये पैसा वसूल आइटम है गाइस है ना। इसके अंदर ना स्ट्रैप लगा होता है बैटरी का, देखो
यहां से मैं इसका पट्टा उखाड़ा है और गाइस ये देखो यहां पर बैटरी का स्ट्रैप लगा होता है, इसको मैंने निकाल दिया। अब इसकी बैटरी वर्क करने के लिए तैयार है और गाइस ये कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। यहां वाला बटन दबाने पर आप इसके अंदर देख सकते हैं लाइट जलती है और इसके प्रोजेक्टर लाइट को आप यूज करके ना दीवार पर कैरेक्टर देख सकते हैं। गाइस ये देखो मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं गोल गोल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहां पे आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं, यहां से टाइम सेट भी कर सकते हैं। गाइस ये देखो बहुत ही प्यारी वॉच है, हाथ में पहनने पर वॉच का डिजाइन देखो कितना ज्यादा क्रेजी लगेगा। काफी बड़ी चौड़ी लंबी वॉच है, इसके पट्टे का साइज भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और पट्टे के ऊपर भी डोरेमोन बना हुआ है। पूरी वॉच का डिजाइन और कलर आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। तो चलो गाइस इसके प्रोजेक्टर को ना अंधेरे में यूज करके देखते हैं। और गाइस ये देखो जैसे ही मैंने इसका बटन दबाया तो इसके अंदर लाइट जलती है और इसके अंदर से रोशनी बाहर आती है और जैसे ही हम इस रोशनी को दीवार पर मारते हैं तो कुछ इस तरह से आपको कैरेक्टर दिखाई देते हैं, है ना। और जितनी बार आप बटन दबाएंगे उतनी बार कैरेक्टर चेंज होगा, टोटल 24 कैरेक्टर आप इसके अंदर से देख सकते हैं। और गाइस ये प्रोजेक्टर वॉच आपको मिल जाएगी 120 से 150 रुपीज के आसपास, पैसा वसूल आइटम है गाइस। मुझे तो ये वॉच बहुत ज्यादा पसंद आई, है ना। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है ये देखो प्यारी सी वाटर बॉटल, पानी की बोतल जो कि डोरेमोन वाले प्रिंट में आती है। देखो यहां पर भी डोरेमोन बना हुआ है और दूसरी साइड भी डोरेमोन बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। इसका प्राइस है 499 रुपीज बट मुझे 300 रुपीज में मिली है, आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। देखो यहां पे इसके और हुक बना हुआ है देखो, जिससे आप इसको कहीं भी लटका सकते हैं पैंट वगैरह में। और ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये पूरी मेटल की बनी हुई है गाइस, लोहे की है ना, ये देखो है ना मेटल की बनी हुई और अंदर से आप देख सकते हैं इसके अंदर आप पानी वगैरह डाल के इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात है गाइस ये 300 रुपए के आसपास आपको डोरेमोन वाली बहुत ही अमेजिंग सी वाटर बोतल मिल रही है जो कि एक पैसा वसूल आइटम है ना। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, जिसका प्रिंट है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसको आप लंबे टाइम तक यूज करोगे तो प्रिंट खराब नहीं होगा गाइस, है ना, मजा आ गया गाइस। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहां पर प्यारी छोटी सी गाड़ी जो कि है डोरेमोन वाली गाड़ी। ये देखो डोरेमोन एक कार के अंदर बैठा हुआ और कुछ ऐसी ये दिखाई दे रही है। और जब इस कार को चलाते हैं ना गाइस ये देखो डोरेमोन की गर्दन कैसे हिलती है आप देख सकते हैं, ये देखो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव चीज। ये देखो 100 रुपीज की कार है और गाइस की क्वालिटी देखो, 100 रुपीज का प्राइस थोड़ा ज्यादा है बट गाइस इस हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आपको डोरेमोन थोड़ा भी पसंद आ रहा तो गाइस अभी कभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है और आप मेरे चैनल पर जाकर ऐसी बहुत सारी वीडियोज देख भी सकते हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं कुछ क्रेजी चीजें। ये देखो हमारे पास है डोरेमोन पैटर्न वाला कैप्सूल पेन, देखो यहाँ पे डोरेमोन बना है, यहाँ पे डोरामी बनी है। और गाइज ये ना एक पेन है, देखने में ये कैप्सूल जैसा है लेकिन जैसे इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो अंदर से ये है एक पेन जिसको आप कुछ इस तरह से लिखने के लिए यूज कर सकते हैं और जो इसके ऊपर डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है बहुत ही क्यूट लगता है। और जो पेन की क्वालिटी है ना लिखते टाइम वो भी बहुत अच्छी है, मैंने इस पेन को यूज किया है, पेन बहुत ही स्मूथली वर्क करता है ना, बहुत ही प्यारा पेन है, 20 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है डोरेमोन वाला एक प्यारा सा स्टेशनरी आइटम जिसके अंदर आपको ज्योमेट्री बॉक्स, शार्पनर, इरेजर बहुत कुछ देखने मिलेगा। सबसे पहले गाइस ये देखो ये गिफ्ट पैक है जो कि आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में दे सकते हैं। यहां पर डोरेमोन लिखा है, यहां पर डोरेमोन लिखा है, यहां पर अंदर भी डोरेमोन है गाइस। ये देखो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं, है ना, बहुत ही प्यारा गिफ्ट पैक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले आप देख लो इसके अंदर क्या क्या सामान है, फिर आप ये खरीद के अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में दे सकते हैं। और गाइस ये देखो यहां से मैंने इसको ओपन किया है ना, तो गाइस इसके अंदर आपको देखने मिलता है ये सारा सामान वन बाय वन में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस ये देखो एक प्यारा सा ब्लू कलर का शार्पनर है और एक डोरेमोन प्रिंट वाली बहुत ही प्यारी इरेजर है और आपको इसके अंदर वैक्स क्रियोन्स कलर देखने मिलते हैं। गाइस ये देखो इसके ऊपर लिखा भी है क्रियोन्स, है ना। यहां से ओपन करेंगे इसके अंदर आपको काफी सारे कलर देखने मिलते हैं जो कि आपको ड्रॉइंग में बहुत हेल्प करते हैं। और कलर के ऊपर भी ना देखो डोरेमोन का पूरा प्रिंट बना हुआ है, देखो है ना कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज। इसको मैं वापिस से कर लेता हूं पैक और गाइस इसको हम लगा लेते हैं इसकी जगह पर। और इसके अंदर हमें डोरेमोन प्रिंट वाली दो दो पेंसिल देखने मिलती है, देखो पेंसिल के ऊपर भी यहां पर डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है ना। और डोरेमोन प्रिंट वाला ही हमें इसके अंदर स्केल देखने मिलता है और स्केल को भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, एक साइड से आप कर्व लाइन खींच सकते हैं, एक साइड से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। और गाइस को मैं वापिस से कर लेता हूं इसकी जगह पर सेट। और इसी सेट के अंदर हमें देखने मिलता है प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो मेटल क्वालिटी का ज्योमेट्री बॉक्स जिसके पीछे कैपिटल में ABCD 1 से 9 तक टेबल लिखा हुआ है। और इसको अगर हम यहां से देखें तो इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है और जो भी सामान हमें इसके अंदर देखने मिला ना ये सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। मैं आपको रख के दिखाता हूं गाइस, ये देखो ये स्केल आ गया, ये पेंसिल आ गई,
और गाइज ये देखो ये वैक्स क्रियोन्स कलर भी हमने इसके अंदर सेट कर दिए, ये आ गया शार्पनर और ये देखो इरेजर शार्पनर भी आ गए, है ना। आराम से ज्योमेट्री बॉक्स बंद हो जाता है गाइज ये देखो, है ना। तो इस स्टेशनरी में जो भी सामान है वो सारा आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है प्यारा सा डोरेमोन वाला पिगी बैंक यानी कि गुल्लक। गाइज ये प्लास्टिक क्वालिटी में आता है और मेरे पास देखो मेटल क्वालिटी वाला पिगी बैंक भी और मेरे पास इलेक्ट्रिक पिगी बैंक भी है, है ना, बैटरी से चलने वाला पिगी बैंक। तो मैं आपको वन बाय वन तीनों दिखाऊंगा, पहले ये दिखाऊंगा फिर ये दिखाऊंगा फिर ये दिखाऊंगा, तीनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है जरूर बताना, है ना। सबसे पहले गाइस देखो ये डोरेमोन का प्लास्टिक वाला पिगी बैंक जो कि आपको 100 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। यहां से आप इसके अंदर पैसे डालते हैं और यहां से आप पैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, है ना। और गाइस मैं इसको आपको बंद करके इसके अंदर पैसे डाल के दिखाता हूं, ये देखो हमारे पास दो कॉइन्स है, है ना, ये कॉइन मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ये देखो एक कॉइन मैंने डाल दिया और ये दूसरा कॉइन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, देखो, है ना। और अगर आप पैसे निकालना चाहो तो आप यहां से पैसे निकाल सकते हो, ये देखो, ये देखो एक कॉइन आ गया बाहर और दूसरा भी निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर पहले से एक नकली नोट पड़ा भी हुआ है, ये देखो 2000 रुपए का नकली नोट मैंने पहले इसके अंदर डाल रखा है, ये देखो, है ना। और जो कॉइन है वो बाहर नहीं आ रहा, ये इसके अंदर कॉइन में फंस गया है। और गाइस ये देखो दो कॉइन मैंने डाले थे दोनों बाहर आ गए हैं, है ना। तो गाइस इसको हम कर लेते हैं बंद, 100 रुपीज के आसपास ये पिगी बैंक मिल जाता है। और डोरेमोन वाले डिजाइन में गाइस ये बहुत ज्यादा क्यूट है, जब आप इसको घर में रखोगे ना डेकोरेशन के लिए तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक मेटल क्वालिटी वाला पिगी बैंक, ये देखो, है ना, लोहे का पिगी बैंक जिसके ऊपर यहाँ पे डोरेमोन लिखा हुआ है, डोरेमोन बना भी हुआ है और पीछे भी आप देख सकते हैं डोरेमोन लिखा हुआ है डोरेमोन बना हुआ है। ये आपको 200 रुपीज के आसपास मिल जाता है और मेरे पास दो दो है गाइस, ये देखो ये अलग डिजाइन में ये अलग डिजाइन में, बट दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। इनके ऊपर ना ताला लगा होता है ताकि इसके अंदर से कोई पैसे चोरी ना कर पाए, है ना। दोनों का प्रिंट अलग अलग है, साइज लगभग लगभग सेम है और प्राइस भी सेम टू सेम है ना। तो जल्दी से मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं, देखो इसके ऊपर यहाँ पे ताला और दो चाबियां लगी होती है ताकि इसके अंदर जब आप पैसे रखें ना तो कोई चोरी ना कर पाए, है ना। डिजाइन आपने देख लिया, मेटल क्वालिटी में आता है बहुत ही ज्यादा उस समय। अब मैं आपको इसके अंदर पैसे डाल के दिखाता हूँ, ये देखो हमारे पास यहाँ पर पैसे है, ये देखो मेरे पास दो कॉइन है, दो कॉइन मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये मैंने डाला एक और ये मैंने डाला दूसरा। और जो हमारे पास ये 2000 रुपए का नकली नोट है ना, यही मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखाया था, ये देखो यहां से आपको नोट को फोल्ड करना है और ऐसे करके आपको इसके अंदर डाल देना है और नोट चला जाएगा इसके अंदर, ये देखो, है ना। अब आप इसके अंदर से पैसे कैसे निकालोगे, आपको सिंपली ताला ओपन करना है, ये देखो ताला चाबी मैंने हटा लिया, यहां से ओपन करके आप इसके अंदर से पैसे बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अंदर कितना स्पेस है ये भी आप देख सकते हैं, है ना, ये देखो मेरा पूरा हाथ इसके अंदर आ गया है, इतना ज्यादा स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। 200 रुपीज के हिसाब से ना गाइस ये बच्चों के लिए पैसा वसूल आइटम है और लोहे का बना हुआ है यानी कि सालों साल खराब भी नहीं होगा। और हमारे पास है इलेक्ट्रिक पिगी बैंक जो कि आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा, डोरेमोन लिखा है यहाँ पे, लिखा है मनी सेफ, है ना, और ये बैटरी ऑपरेटेड है, देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स आपको इसके अंदर देखने मिलता है, साउंड वॉइस और लाइट भी इसके अंदर जलती है। और ओवरऑल आप इसकी पूरी पैकिंग देख सकते हैं, ये वाला पिगी बैंक आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, है ना, और इसके अंदर जो प्लास्टिक का पिगी बैंक है उसको हम निकाल लेंगे बाहर, ये देखो गाइस इसको मैंने निकाल दिया बाहर, इसको मैं रखता हूं यहां पर। इसका पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं कैसा दिखाई देता है, 1000 रुपीज के हिसाब से गाइस इसके अंदर काफी सारे फीचर है, देख, है ना, यहाँ पे से सारे फीचर लिखे हुए। तो चलो गाइस इसको यूज करके देखते हैं, है ना। मैंने इसके अंदर बैटरी ऑलरेडी डाल रखी है, बैटरी डालने से क्या क्या होता है गाइस, ये ऑन हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। यहाँ पे 3AA बैटरी डाल रखी है, मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे आपको चाहिए काफी सारे कॉइन्स और नोट, है ना। तो पहले मैं आपको इसके अंदर कॉइन डाल के दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर हम कॉइन डाल सकते हैं 1, 2 और ये 3, है ना। अब जो हमारे पास नकली नोट है ये नोट मैं इसके अंदर डालूंगा और गाइस ये नकली नोट को अपने आप अंदर खींच लेगा, देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर खींच लेता है, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, देखो एक नोट चला गया, ये देखो दूसरा नोट भी चला गया, ये देखो तीसरा नोट भी चला गया और लास्ट नोट मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, इसके अंदर लाइट भी चलती है गाइस, देखो ये नोट मैंने लगाया और गाइस ये अंदर खींच लेगा नोट को ऑटोमेटिकली, और गाइस ये वाला नोट अंदर नहीं जा रहा पता नहीं क्यों, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर लाइट ब्लिंक होती है। और अगर आप इसके अंदर से पैसे निकालना चाहते हो आपको इसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ेगा, देखो 0000, 4 बार 0 डालेंगे ये ओपन होगा, यहां से हैंडल घुमाएंगे और कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, ये देखो इसके अंदर सारे नोट आपके यहाँ पर सेट हुए हैं, है ना। और गाइस जो कॉइन मैंने इसके अंदर डाले थे वो कॉइन्स भी यहाँ पर है, ये देखो, जो कि बहुत ही अमेजिंग इसका फीचर है, है ना। तो आप इसके अंदर पैसे कैसे डाल सकते हैं, पैसे कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसका पासवर्ड है 00 और पासवर्ड को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, है ना। सो गाइस अगर आपको पिगी बैंक पसंद आए तो अभी कभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है देखो डोरेमोन वाली एक बहुत ही प्यारी सी वॉच,
ये देखो ये आपको 100 रुपीज में से कम में मिल जाएगी, है ना। इसके पूरे पट्टे के ऊपर डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है, स्क्रीन में भी डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है। यहां से बटन दबा के आप टाइम सेट कर सकते हैं, देखो है ना। हाथ में पहनेंगे तो वॉच का डिजाइन और कलर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत ही प्यारी वॉच है 100 रुपीज के हिसाब से। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है प्यारा सा, ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स जो कि डोरेमोन प्रिंट में आता है। डोरेमोन बना है, डोरामी बनी हुई है, दूसरी साइड भी डोरेमोन बना है और डोरामी बनी हुई है। और ये मल्टी फंक्शन ज्योमेट्री बॉक्स है, देखो इसको हम यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको स्टडी लैंप यानी कि अंधेरे में यूज करने वाला लैंप देखने मिलता है। इसके अंदर लाइट जलती है जो कि अगर आप अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी रोशनी में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छी पावरफुल रोशनी इसके अंदर से आती है ना। और इसको आप किसी भी एंगल पर मोड़ भी सकते हैं, देखो है ना। और मैं इसको बंद कर लेता हूं, ये देखो यहां से आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। यहां पे मैं इसको वापस से सेट कर देता हूं और यहां पे एक बटन है, बटन दबाएंगे तो इसके अंदर डबल शार्पनर लगे हैं जिससे आप पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट शार्प कर सकते हैं यहां से, है ना। इसको मैं कर देता हूं बंद और यहां पर जो बाकी स्पेस है यहां पर आप काफी सारा सामान रख सकते हैं। और दूसरी साइड से ओपन करेंगे तो आप यहां पर भी सामान रख सकते हैं, यानी कि इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आप काफी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। 150 रुपीज में आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस हमारे पास है डोरेमोन वाली एक और प्रोजेक्टर वॉच। इसका डिजाइन देखो आप कितना ज्यादा अमेजिंग है ना। ये वाली प्रोजेक्टर वॉच भी मैं आपको दिखाता हूं कैसी दिखाई देती है, ये देखो कुछ ऐसी है दिखाई देती है। इसका डिजाइन देखो, कलर देखो कितना अट्रैक्टिव है ना। पट्टे के ऊपर दोनों साइड डोरेमोन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, है ना। और जिसका फेस है वो बहुत अट्रैक्टिव है। हाथ में पहनने पर यह वॉच दिखाई देगी कुछ ऐसी, बहुत ही क्रेजी लग रही है गाइस। मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद आया। इसको हम यहां से ओपन करेंगे तो यहां पर आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं, यहां से बटन दबा के आप टाइम सेट कर सकते हैं। और इस वाले बटन को दबाएंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर से प्रोजेक्टर लाइट बाहर आती है। और गाइस यहां पे स्ट्रैप लगा हुआ है, गाइस ये देखो स्ट्रैप पे हटाया तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर से लाइट बाहर आती है। और जब आप इस लाइट को दीवार पे मारते हैं तो आपको कैरेक्टर दिखाई देते हैं और कैरेक्टर आप यहां से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, गाइस ये देखो, ये देखो है ना। तो काफी प्यारी वॉच है। इससे पहले मैंने आपको प्रोजेक्टर वॉच यूज करके दिखाई थी, सेम उसी तरह से ये वाली प्रोजेक्टर वॉच भी वर्क करती है। बट इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया गाइज। और इसके बाद गाइज हमारे पास है डोरेमोन वाली एक बहुत ही प्यारी पेंसिल, ये देखो। अब ये कैसी पेंसिल है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर डोरेमोन बना है, यहां से इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो ये नोक वाली पेंसिल है। जब इसकी आगे वाली टिप खत्म हो जाएगी ना आपको ये निकालनी है और पीछे से डालेंगे तो एक और टिप बाहर आ जाएगी गाइज, ये देखो है ना। बहुत ही अमेजिंग है, ये देखो कुछ इस तरह का बहुत अमेजिंग पेंसिल है। इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं और इसके बाद गाइज हमारे पास है डोरेमोन की पूरी टीम। ये देखो मेरे पास डोरेमोन की पूरी टीम है, मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन कितने कैरेक्टर हैं, है ना। आपको जरूर ये सारे कैरेक्टरों के नाम पता होंगे, ये देखो है ना, वन बाय वन दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइज हमारे पास है यहां पर जियान जो कि बहुत गंदा गाना गाता है गाइज, है ना। और गाइज हमारे पास ये देखो सुनियो जो कि हमेशा अपने पैसों की धौंस दिखाता रहता है। और गाइज हमारे पास नोबिता, ये देखो। और गाइज नोबिता का साथी डोरेमोन है ना। यहां पर सिजुका भी है, ये देखो, और डोरामी भी है। सारे कैरेक्टर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं गाइस, ये देखो है ना। और गाइस ये इनके एक्शन फिगर है छोटे छोटे से जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मुझे बहुत ज्यादा प्राइस में मिले गाइस ये सारे के सारे कैरेक्टर, है ना। पूरी टीम को कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो डोरेमोन वाले डिजाइन वाली बहुत ही प्यारी प्यारी दो इरेजर। जी हाँ गाइस ये इरेजर है जिससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। और इसके देखो इसके बॉडी पार्ट्स को आप अलग भी कर सकते हैं गाइस, ये देखो मैंने इसकी गर्दन को अलग कर दी और वापस में आप लगा भी सकते हैं। ये देखो ये इरेजर है ना, इसे आप किसी भी एंगल से पकड़ के पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर पाएंगे। 10 रुपीज में आपको ये इरेजर अवेलेबल हो जाएगी। और हमारे पास ये देखो कूदने वाला रस्सा जंप रोप जो कि डोरेमोन वाले प्रिंट में आता है। डोरेमोन बना है, यहाँ पे जंप रोप लिखा है, यहाँ पे डोरेमोन लिखा हुआ है। और ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहां से मैंने इसको ओपन किया तो गाइस ये देखो अंदर से ये दिखाई देता है कुछ ऐसा। इसके दोनों हैंडल के ऊपर डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है, डोरेमोन भी बना हुआ है गाइस, ये देखो है ना। और इसके रोप यानी कि रस्से की क्वालिटी देखो कितनी ज्यादा उस समय है ना, बहुत ही अमेजिंग चीज है। अगर आपको रस्सा कूदना पसंद है तो ये चीज आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और हमारे पास है डोरेमोन प्रिंट वाला एक बहुत ही अमेजिंग सा चाबी का छल्ला। देखो इसके पट्टे के ऊपर डोरेमोन लिखा हुआ है, यहां पर डोरेमोन बना हुआ है, ये देखो कितना क्यूट डोरेमोन है। यहां से आप इसको अपनी पैंट में लटका सकते हैं, यहां पे आप इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं। और जब इसको चाबी के छल्ले की तरह यूज करोगे तो इसका डिजाइन है ना ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा आपको। और हमारे पास है देखो डोरेमोन वाला एक और मल्टी फंक्शन ज्योमेट्री बॉक्स। इसके ऊपर आप देख सकते हैं डोरेमोन का कितना प्यारा प्रिंट बना हुआ है दोनों साइड। ये आपको 350 रुपीज में मिल जाएगा और ये बहुत ही अमेजिंग है। देखो इसके ऊपर 1 2 3 4 बटन है, चारों बटन दबाऊंगा चार कंपार्टमेंट ओपन होंगे, ये देखो है ना। यहां से ओपन करेंगे इसके अंदर भी सेम है, यहां पर पेंसिल होल्डर है, यहां पर कलर होल्डर है, यहां पर एक सीक्रेट स्पेस है ये देखो। और इस वाले बटन दबाने पर भी कंपार्टमेंट ओपन होता है ये वाला, ये देखो है ना। 10 अलग अलग जगह से आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करके यूज कर सकते हो। ये देखो यहां से पूरा ज्योमेट्री बॉक्स मैंने बंद कर दिया
ये देखो है ना, और इसका आप इस साइड से ओपन करके यहां पर भी सामान रख सकते हैं 350 रुपीज के हिसाब से का ये पैसा वसूल ज्योमेट्री बॉक्स है। और लास्ट आइटम हमारे पास एक और ज्योमेट्री बॉक्स टाइप का आइटम, ये देखो इसके ऊपर कितना प्यारा डोरेमोन का प्रिंट बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं है ना। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो यहां से खुल गया, इसको मैं पहले वापस से सेट कर लेता हूं। यहां पे आपको इसके अंदर व्हाइट बोर्ड देखने मिलता है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, और यहां पे आप देखो इरेजर शार्पनर स्केल बाकी सारा सामान रख सकते हैं। और यहां से ओपन करेंगे तो इसके बुक स्टैंड बन जाता है गाइस ये, और यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये मोबाइल स्टैंड भी बन जाता है गाइस ये देखो है ना, ये मोबाइल स्टैंड भी बन जाता है, बुक स्टैंड भी बन जाता है जिसको आप कुछ इस तरह से वापस से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखो है ना, इसका डिजाइन आप देख सकते हैं डोरेमोन वाला कितना अट्रैक्टिव है। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डोरेमोन वाले बहुत सारे आइटम दिखाए हैं। एक भी आइटम पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियो में लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।